नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको पूरा मल्टीमीटर चलाना सिखाएंगे। मल्टीमीटर हमारा कोई भी हो, लोकल कंपनी का हो या कंपनी वाला हो, समय फंक्शन एक जैसे ही होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये फ्लूक का मल्टीमीटर है इसके बारे में बता देता हूँ। रेंज समय एक जैसी होती है। ये जो हमारे मल्टीमीटर है ये ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है। ऑटोमेटिक किसको बोलते हैं ये देखिए दोस्तों, ये मेरी रेंज है। एसी रेंज अपने आप ही ऑटोमेटिक सेट हो जाती है इसमें। यहाँ भी देखिए ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। और दोस्तों इसके बाद ये मेरी डीसी वोल्टेज है, तो डीसी वोल्टेज को भी हम ऑटोमेटिक ऐसे ही सेट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक वोल्टेज पड़ता है 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 400 500। तो इसका मैक्सिमम ये हम मेरी 600 वोल्ट है, पीक है 10 एम्पियर तक ये चेक कर लेता है। दोस्तों यदि मुझे इसमें एसी और डीसी की फ्रीक्वेंसी चेक करनी हो तो यहां से हम रेंज सेट करते हैं। देखिए ये रेंज हमने सेट कर दी है। तो दोस्तों मैं मल्टीमीटर के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। देखिए दोस्तों इसके बाद हम रेजिस्टेंस रेंज में आते हैं। ये यहाँ मेरा बजर भी होता है और रेजिस्टेंस भी होती है। जो मेरी कम वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है तो हम इसको यहाँ चेक करते हैं। और दोस्तों यदि रेजिस्टेंस मेरी 100 ओम 200 ओम से ज्यादा है तो फिर हम इसको यहाँ चेक करते हैं। कोई भी वैल्यू हो हमारी हम यहाँ चेक करते हैं। और यहाँ पर हम डायोड ट्रांजिस्टर आदि चेक करते हैं। ये डायोड रेंज है, तो डायोड रेंज में हम यहाँ पर इसको कोई भी ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह चेक करते हैं। और ये वाली रेंज मेरी कैपेसिटर की है, यहाँ हम कैपेसिटर चेक करते हैं। ये सब मेरी ऑटोमेटिक रेंज है। और यहाँ पर ये मेरी एम्पियर वाली रेंज है। तो एम्पियर जब हम एम्पियर में लाते हैं तो दोस्तों ये देखिए ये मेरा कॉमन है और ये वाली लीड निकाल कर हम इधर लगाते हैं यहाँ, तब हम इसको मल्टीमीटर को सीरीज में लगाते हैं। इसके बाद ये मेरा मल्टीमीटर काम करता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा फ्लूक का मल्टीमीटर, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इस मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं इसे कंपोनेंट टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों कंपोनेंट हम कैसे चेक करते हैं, एक बार टेस्ट करा दूंगा कि मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं। अभी इसके बारे में बताते हैं। ये भी एक मल्टीमीटर है, ये भी अच्छी कंपनी का है। इसमें देखिए यहां मेरी एसी वोल्टेज लिखी हुई है और डीसी, तो दोनों एसी वोल्टेज और डीसी लिखी हुई है। तो इसकी रेंज यहां से चेक करते हैं। देखिए अभी यहां लिखा हुआ है, ये रेंज चेंज हो गई है। यहाँ ये एसी लिखा हुआ आ गया, तो इधर को लेते हैं, ये एसी लिखा हुआ आ गया। और जब हम इसको यहां करते हैं तो ये क्या डीसी लिखा हुआ आ गया। अब यहां देखते हैं अगली रेंज में, यहां मैं मिली वोल्ट चेक करता हूं एसी या डीसी। तो सेम ऐसे ही हम इसको यहां से ये रेंज चेंज करते हैं, एसी और डीसी लिखा हुआ आ जाता है। दोस्तों ये वाला मल्टीमीटर, इसमें यहां मेरी डायोड रेजिस्टेंस और बजर इसी एक ही रेंज में सेट करते हैं। देखिए ये मेरा ओम में लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ ओम है ये, और इसके बाद ये मेरा डायोड है और ये मेरा यहाँ बजर। तो ये तीन रेंज मेरी यहाँ हो गई। दोस्तों यहाँ पर हम, ये कैपेसिटर का सिंबल है तो कैपेसिटर को हम यहाँ पर चेक करते हैं। इसमें रेंज चेंज करनी नहीं होती है, सिंबल है। यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है, यहाँ मुझे माइक्रो एम्पियर वगैरह चेक करने होते हैं एसी और डीसी। यहाँ मैं चेक चेंज इसको करता हूँ, यहाँ मिली एम्पियर और यहाँ फुल एम्पियर। फुल एम्पियर में इसको ऐसे ही चेंज करनी होती है, ये वाली लीड यहाँ से इधर लगानी होती है यहाँ, और ये मेरा कॉमन ही रहता है। तब हम इससे पूरी वोल्टेज पूरे फंक्शन इससे हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको कंपोनेंट दिखा दूं कैसे चेक करते हैं। कोई भी मल्टीमीटर हो सबकी रेंज इस रोटर से हम चेक कर लेते हैं। और ये मेरे जो मल्टीमीटर है बिल्कुल परफेक्ट चेक करते हैं, परफेक्टली चेक करते हैं। तो कुछ कंपोनेंट मैं आपको आज चेक करके दिखा दूं, बाकी मैंने पूरा मल्टीमीटर आपको चलाना
सिखा दिया है। मेरे पास कंपोनेंट है, मैं सब ये टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। ये कोई से भी मल्टीमीटर से आप चेक कर लें, तो बताओ ये वाला चेक करें या ये वाला। तो दोस्तों मैं इस वाले मल्टीमीटर से, फ्लूक वाले से टेस्ट करता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसको हटा देते हैं और यहां इसको ये लगाएंगे, बाद में दूसरे मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाएंगे। ये हो गया देखिए, अब हमने यहाँ रेंज को इसको सेट कर लिया है इसमें कैपेसिटर वाले में। यहाँ ब्लैक माइनस पे लगाएंगे और पॉजिटिव इस पर रेड लगाएंगे, तो ये कंपोनेंट बता देगा। देखिए दोस्तों, ये यहाँ 960 माइक्रोफेरड वैल्यू बता रहा है, तो ये मेरा 1000 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर है, तो लगभग ये सही बता रहा है। इसमें 5% टोलरेंस होती है। तो अब मैं छोटा कैपेसिटर भी दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देखिए मेरा 100 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर है, इसने 100 दिखाया है, दो देखिए 101। तो दोस्तों इस तरह से हम कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। ये वाला डायोड रहा, अब ये डायोड चेक करके दिखा देते हैं। इसको डायोड रेंज में रखेंगे तो ये कुछ ड्रॉप दिखाता है, जो भी हमारा डायोड या ट्रांजिस्टर होता है ये ड्रॉप दिखाता है। देखिए एक बार हम इसको ऐसे चेक करेंगे, देखिए 0.548 दिखा रहा है, और इधर से चेक करेंगे तो ये भी कुछ दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो मेरे ये डायोड सही है, यदि कुछ दिखाता है तो डायोड खराब होता है। तो दोस्तों इसके बाद ये वाला ट्रांजिस्टर है, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा इसका बेस है कलेक्टर एमिटर, तो ऐसे चेक करते हैं कुछ बताएगा। देखिए दोस्तों कुछ नहीं बता रहा है, ब्लैक से रेड से बताएगा। तो दोस्तों ये वाला मेरा ट्रांजिस्टर खराब है, दोनों कंडीशन में कुछ भी नहीं बता रहा है। तो दोस्तों ये हमारे और भी कंपोनेंट हैं, जैसा ये एक कैपेसिटर, ये एक ट्रांजिस्टर, ये वाला है, तो इसको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए ये बीडी 140 है, तो यहाँ ये बेस कलेक्टर एमिटर, तो यहां से हम इसको चेक करेंगे रेड से, ये देखिए कुछ भी नहीं बता रहा है। अब ब्लैक से चेक करेंगे तो ब्लैक से बताएगा, ये देखिए दोस्तों ये दिखा रहा है 0.648 और 0.648। तो एक बार इसमें ट्रांजिस्टर में चलती है, एक बार नहीं चलती है, ऐसे डायोड में। तो दोस्तों इस टाइप से हम कोई भी कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। ये एक पीसीबी है, इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा होगा, उसको भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। रेजिस्टेंस को हम इस रेंज में चेक करते हैं, ये देखिए हमने यहाँ चेक लगा लिया है, और ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ फ्यूज रेजिस्टेंस है दोस्तों, देखिए ये 5 ओम की मेरी एक रेजिस्टेंस है, ये फ्यूज रेजिस्टेंस होती है। तो दोस्तों इस वाले मल्टीमीटर से हमने चेक करके दिखा दिया, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो दूसरे मल्टीमीटर से भी हम चेक करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों इस तरह से हम कोई भी मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं, किसी भी मल्टीमीटर से हम अपने कंपोनेंट टेस्ट कर सकते हैं। मल्टीमीटर का प्रिंसिपल चेक करने का सबका एक जैसा ही है। इस तरीके से हम मल्टीमीटर से कंपोनेंट चेक कर सकते हैं, और पूरा मल्टीमीटर ऐसे हम चला सकते हैं। कुछ मल्टीमीटर चलाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।